टेलीकॉम कंपनीज ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर लेकर आती रहती है। ग्राहकों को लुभाने में जियो सबसे आगे है। जी हाँ, इस बार भी अपने यूजर्स को लगातार नए नए ऑफर देने वाले जियो ने इस बार सर्विस के साथ एंटरटेनमेंट का भी डोज दिया है। रिलायंस जियो ने पहली बार नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले अपने दो नए जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। क्या है इसमें खास, आपको कैसे होगा फायदा, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। जियो नेटफ्लिक्स प्रीपेड प्लान में 5G नेटवर्क यूज करने वाले ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। साथ ही ग्राहक नेटफ्लिक्स के सभी शो और मूवी देख पाएंगे, सब कुछ मुफ्त में। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महज 1099 रुपए की कीमत वाले प्लान के साथ ग्राहकों को हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। वहीं 1499 रुपए के प्लान में कंपनी हर दिन 3 GB डेटा ऑफर कर रही है। दोनों ही प्लान्स की वैलिडिटी 84 दिन की है। हालांकि चुनिंदा जियो पोस्टपेड और जियो फाइबर प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन ये पहली बार है कि प्रीपेड प्लान पर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि प्रीपेड के साथ ऐसा ऑफर पहले कहीं नहीं था। दुनिया में पहली बार नेटफ्लिक्स को बंडल टेलको प्रीपेड प्लान के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च के साथ ही जियो के 40 करोड़ से ज्यादा प्रीपेड ग्राहकों को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाले प्लान चुनने का विकल्प मिल जाएगा, यानी ऑप्शन मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स के साथ ग्राहक अपने मोबाइल डिवाइस पर कभी भी कहीं भी हॉलीवुड से बॉलीवुड, भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों और लोकप्रिय टीवी शो का मजा ले पाएंगे। दोनों ही प्लान्स को जियो के दूसरे प्लान्स की तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन रिचार्ज की सुविधा ग्राहकों को मिलेगी। ग्राहक चाहे तो नेटफ्लिक्स ऐप को कई डिवाइसेस पर डाउनलोड कर सकते हैं और समान लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस पर इसे देखा जा सकेगा। 1499 रुपए वाले प्लान में भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप कोई भी बड़ी स्क्रीन पर उसे देख पाएंगे। नेटफ्लिक्स की लोकप्रियता की बात करें तो नेटफ्लिक्स की लोकप्रियता भारत में काफी बढ़ी है। ऐसे में जियो का ये दाव काफी कारगर साबित हो सकता है, यूजर्स को ये अट्रैक्टिव लग सकता है और जियो फिर से अपने यूजर बेस में बढ़ोतरी कर सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।